हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 11th क्लास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है उसका जो एक्टिविटी नंबर 7 है वो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी है क्योंकि आप सभी मेरे हिसाब से आपने 10th में 9th में ही आपने पीएच और पीओएच कैसे फाइंड करते हैं वो सारी चीजें आपने पढ़ी होगी क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर होता है। ओके, तो पी ओ एच क्या होता है और पी एच क्या होता है ये सारी चीजें आपको, उसका जो फॉर्मूला है, बाकी सब चीजें हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ये सेम चीज यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 7 में भी ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एम लिख के दिया है। ओके, यहाँ पे अपैरेटस, केमिकल, थेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी ओ एच और पी एच का यहाँ पे रिलेशन आपको बता के दिया है कि एक्चुअली में जो पीएच होता है वो 14 माइनस पीओएच होता है। तो सबसे पहले आपको पीओएच की जो वैल्यू है वो निकालनी होती है, उसके बाद आप आसानी से जो पीएच की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लीट प्रोसीजर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंप्लीट प्रोसीजर के हिसाब से आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक पीएच पेपर होता है तो पीएच पेपर के अंदर ऑलरेडी आपको कलर से वो इंडिकेट किया होता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा अल्कलाइन है। ओके, तो ये सेम चीज है यहाँ पे भी है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग हमने सॉल्यूशन लिए हैं, उस सॉल्यूशन का यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1 मोलार है तो यहाँ पे आपको 0.01 मोलार देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 0.001 मोलार। ओके, तीनों के कॉन्सेंट्रेशन हमने लगभग उसके हाफ किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने कलर और पीएच देखा है और पीएच यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो रेंज है वो रेंज जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाते हैं वैसे वैसे जो उसकी जो अल्कलाइन यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होने लगती है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे आप एमसीक्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव एमसीक्यू दिए हैं और पांचों के जो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हमने हाईलाइट करके दिए हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, यहाँ पे आप पांचों के आंसर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसे व्हाट इज द पीओएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीओएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि -log10 1 × 10⁻², या फिर आप 0.001 लिख सकते हैं, या आपके ऊपर है, अप टू यू। उसके बाद इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवेन सोल्यूशन ऑफ द के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 0.01 मोलर, कैलकुलेट द पी ओ एच एंड द पी एच ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको पी एच ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर पी एच +2 = 40 है तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 इस साइड प्लस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा पीएच वो कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पीएच फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर लो। ओके, और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आप अपने जो क्वेश्चन आंसर है उसको पूछ सकते हो। ओके, और कुछ भी अगर चाहिए रहेगा स्टडी रिलेटेड मटेरियल तो वहां पे आप मांग सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।